बंदाऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मोरी चूरन चारू समन सकल भव रोज परिवारू बंदाऊ गुरु पद। प्रणाम दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस की शुरुआत करते हैं तो वो सबसे पहले चौपाई में गुरु वंदना लिखते हैं। आप जब मानस दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले 7 श्लोक लिखते हैं, फिर 5 सोरटे लिखते हैं, और जब चौपाई की बारी आती है तो सबसे पहली चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी यही लिखते हैं, और हम सबको एक सूत्र देते हैं कि हमें गुरु की उपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए। हम चाहे कोई भी वर्क करें, सबसे पहले गुरु को याद करना चाहिए। तो आइए समझते हैं, बड़ा ही प्यारा इस चौपाई का अर्थ है, तो सबसे पहले उसको समझते हैं। बंदाऊ गुरु पद अर्थात मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बंदाऊ गुरु पद पदुम परागा, पराग का अर्थ होता है रज या कर्ण जो चरणों में लगी होती है। तो सबसे पहले मैं गुरु जी के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ। बंदाऊ गुरु पद पदुम परागा, और आगे सुरुचि, सुरुचि यानी जो स्वादिष्ट है, सुरुचि सुबास, सुबास यानी जो सुगंधित है, सुरुचि सुबास, और आगे है सरस, सरस जिसमें रस भरा हुआ है, और रस भी किसका भरा हुआ है, अनुराग का। अनुराग का अर्थ क्या है, प्रेम या भक्ति। तो सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, और आगे और भी बड़ी प्यारी बात, अमीय, अमीय ने अमर, अमीय मूरीमय, मूरीमय ने मूल, अमरता का जो मूल है जिसको अपन संजीवनी बूटी बोलते हैं, अमीय मूरीमय चूरन चारु। बड़ा ही सुंदर और प्यारा सा अमर जड़ी का जो चूर्ण होता है वही चूर्ण गुरु के चरण कमलों की रज का है। अमीय मूरीमय चूरन चारु, और आगे समन सकल, समन यानी नष्ट कर देना, समन सकल यानी सारे, समन सकल भव, भव यानी जो ये संसार है, संसार सागर जो इसी को भव सागर बोलते हैं, समन सकल भव रुज, रुज का अर्थ यहाँ पर कष्ट से लगा सकते हैं अपन, रुज परिवारो, जो इस संसार रूपी जितने भी कष्ट हैं उन सबको परिवार सहित ये धूल ये रज नष्ट कर सकती है, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं कि मैं गुरु के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ जो कि बहुत ही सुंदर है, स्वादिष्ट है, जो सुगंधित है, और जो अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। साथ ही एक अमर जड़ी यानी कि जिसको संजीवनी बूटी जैसा एक चूर्ण है जो कि पूरे संसार के सारे परिवार सहित जितने भी दुख हैं उन सबको नष्ट कर देता है। आपको यदि और भी अच्छे से पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर
इस चौपाई का अर्थ पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी की ये प्यारी सी चौपाई आप सबको समझ आई होगी। धन्यवाद। जय श्री।